महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, लोग भूखमरी से मरते जा रहे हैं। मोदी जी को और केजरीवाल जी को किसी चिंता चीज की चिंता नहीं है, सिर्फ दारू फ्री कर रहे हैं, शराब फ्री कर रहे हैं, है जी, कहते हैं हम बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, अरे दवाइयाँ फ्री करो, किताबें टैक्स फ्री करो, बच्चों की पढ़ाई फ्री करो, कुछ भी चीज़ नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री करो, दारू फ्री करो। 8 रुपए का एक गेहूं दे देते हैं एक आदमी को, 4 किलो, 2 रुपए किलो गेहूं है, 8 रुपए की औकात बना दी है, भिखारी बना दिए उन लोगों को, हिंदुस्तान के गरीबों को भिखारी बना दिया। 8 रुपए का गेहूं दे देते हैं फ्री, 200 रुपए की सरसों के तेल की सीसी खरीदनी पड़ती है गरीब को, क्या फ्री मिल रहा है? बाबा रामदेव जी नजर नहीं आ रहे। बाबा रामदेव जी तो वहां गए हैं मुद्रा करने, वो रामलीला ग्राउंड से भागे थे ना सफेद सूट पहन के, वही सफेद सूट पहन के चले गए हैं। बाबा रामदेव जी ने पहना सफेद सूट और मोदी जी पहन रहे करोड़ों रुपए का सूट, और दोनों हाथों से हिंदुस्तान को रहे लूट। 16 दिन में 14 दिन अभी तो और बढ़ेंगे, अभी तो 200 रुपए तक चले जाएगा, 105 आज हो गया है, और 200 रुपए तक पेट्रोल जाएगा, समझे जी। अडानी और अंबानी की तरह ध्यान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पेट्रोल के ऊपर लोगों का ध्यान बढ़ा रहे हैं। अरे 60 रुपए की एक फॉर्चून की थैली आती थी, 200 रुपए की मिल रही है, लेकिन जनता सड़क पर नहीं आ रही है पूरी तरह से। जनता सड़क पे आना चाह रही है, आने नहीं देते, बसें रोक रखी है हमारी कांग्रेस की, भर की जो बसें आ रही थी दिल्ली के बॉर्डर पे आ रही थी, और दिल्ली के अंदर जो आ रही थी बसें उनको भर के बंद कर रखा है, किसी को करोलबाग थाने में बंद कर रखा है, किसी को राजेंद्र नगर थाने में बंद कर रखा है, किसी को मंदिरबाग थाने में बंद कर रखा है, सारी बसें हमारी रोक दी है साइडों पर। समृति ईरानी इसके दिल में आ गई बेईमानी, और उसकी तो यही कहानी, समझे जी, मोदी जी के घर में बैठ के पिला रही है उसको पानी, इसलिए रोड पे नहीं आ रही समृति ईरानी। हेमा मालिनी कहाँ से काटेगी गेहूं? वो नहीं काटेगी, वो तो लिपस्टिक पाउडर लगा रही है मोदी जी के घर पे जाके, मोदी जी का ब्रेक वो कर रही है, मेकअप कर रही है वो मोदी जी का, इसलिए नहीं काटे गेहूं। करते हैं महिला का सम्मान, क्योंकि समृति ईरानी भी हमारी बहन बेटी के बराबर है, हेमा मालिनी भी हमारी बहन बेटी के बराबर है, लेकिन वो हिंदुस्तान के लोगों को क्यों नहीं देख रही आज है? जब 400 रुपए का सिलेंडर हुआ था, हेमा मालिनी यहाँ आ गई थी, समृति ईरानी यहाँ आ गई थी, अब कहाँ गई समृति ईरानी, कहाँ हेमा मालिनी? हमारी बहन बेटी के बराबर है, हम सबका कांग्रेस का एक एक वर्कर हर महिला का सम्मान करता है और करता रहेगा, मरते दम तक करेगा। जनता कर रही है विरोध, जनता को विरोध करने नहीं दिया जा रहा, उनको बॉर्डर पे रोक देते हैं, आने नहीं देते, उनको घर में से नहीं निकलने देते। बेईमानी से बनी है, बेईमानी से 4 राज्यों में बन गई सरकार, और वो भी बनी है बेकार। बेईमानी क्या हुई है? ईवीएम में घोटाला कराया, खूब पैसा बांटा गया है, खूब वोट खरीदे गए हैं, समझे जी, दादागिरी से वोट हारने के बाद हर कोई ये कहता है ईवीएम में गड़बड़ है। नहीं, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो मोदी जी भी ये कहते थे, मोदी जी भी तो ये इल्जाम लगाते थे, और वही नुकता उन्होंने अपना लिया, जो इल्जाम कांग्रेस में लगाते थे आज कांग्रेस उन पे लगा रही है। जो हाल श्रीलंका में हुआ वो हिंदुस्तान में होगा, 125 लाख करोड़ का कर्जा हिंदुस्तान पे हो गया है, कौन भरेगा? वो मोदी जी भरेंगे, केजरीवाल जी भरेंगे, हम जैसे लोग भरेंगे, हिंदुस्तान के नागरिक भरेंगे। हाँ तो यही करेंगे ना, दिल्ली के नौजवानों को ले जा रहे शराब के ठेके पर, और नौजवानों को ले जाएंगे प्राइवेट ठेकों पर। अभी मैं कह रहा हूँ, अगर ये नौजवानों को ठेके पे ले गए ना, देसी बिक जाएगा, गुलाम हो जाएगा एक बारी फिर से, जीडीपी खत्म हो गई है, समझे जी, हिंदुस्तान की खत्म हो गई साख, किसी के खाते में नहीं आया 15 लाख।